लोकसभा चुनावों को लेकर जहां शहर कालका और पिंजौर में मतदाताओं में वोटिंग को लेकर जबरदस्त क्रेज दिखा, वहीं ग्रामीण भी इस बार चुनावों को लेकर काफी उत्साहित दिखे। इधर कालका के साथ लगते खेड़ावाली गांव में दो उत्सव देखने को मिले। एक ओर जहां गांव के लोग वोटिंग में व्यस्त थे, वहीं दूसरी ओर खेड़ावाली गाँव में एक दूल्हे ने कहा कि पहले वोट, बाद में दुल्हन लेने जाऊंगा। दूल्हे संजीव धीमान ने सिटी न्यूज से बात करते हुए कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि आज दो उत्सव एक साथ हैं, वहीं एक मेरी शादी, जबकि दूसरे लोकतंत्र का पर्व, इसीलिए मैं पहले वोट पोल करूंगा, उसके बाद ही दुल्हन लेने जाऊंगा। पहले वोट फिर दुल्हन। वोट डालने में अच्छा महसूस हो रहा है और जो भी है, बल्कि लोकतंत्र के लिए अच्छा ही, लोकतंत्र मजबूत करने के लिए वोट डालने तो दो त्यौहार हैं और एक मेरी शादी है और यह इलेक्शन है। खेड़ावली गांव में शादी के जश्न को लेकर जहां गांव के लोग नए कपड़े पहनकर खुशी मना रहे थे, वहीं दूसरी ओर बाराती भी बारी बारी से वोट डालकर शादी में जाने की तैयारी में जुटे हुए थे। महिलाओं ने भी कहा कि वोट बहुत जरूरी है, इसीलिए वोट तो हर हाल में डालने जाएंगे। महिलाओं ने कहा कि सरकार कोई भी बने, लेकिन वोट पोल जरूरी है। वहीं महिलाओं ने यह भी कहा कि वोट हमारा अधिकार है और इस दिन वोट पोल करना चाहिए, वोट खराब नहीं करनी चाहिए। एक महिला ने कहा कि देश के उज्जवल भविष्य और विकास के लिए वोट सबसे जरूरी काम है। बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, लेडीज के लिए भी बहुत जरूरी है वोट पाना, हमारा अधिकार है ये, हम सबको वोट पाने बहुत जरूरी है। मैं वोट डाल के आई हूँ और देश के विकास के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, शादी भी है और मैं पहले वोट डाल के आई हूँ। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट जरूरी है और वोट पोल करके मुझे अच्छा लग रहा है, ये कहना था खेड़ावली गांव के निवासी संजीव धीमान का। आज संजीव की शादी है और वह अपनी दुल्हन लेने के लिए जा रहे हैं, पर इस पर्व को मनाकर ही दुल्हन लेने जाएंगे। कुल मिलाकर शहर के साथ साथ गांवों में भी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इस पर्व को मनाते हुए ग्रामीणों में भारी जुनून दिखा। 12 मई को चुनाव हुए और आने वाली 23 मई को चुनाव के परिणाम हैं और सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है और 23 मई को पिटारा खुलेगा। किसका भाग्य चमकेगा यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। मैं दो निर्णय लेने जा रहा हूँ, एक सरकार चुनने का और एक परिवार शादी करने का। पहले वोट फिर दुल्हन। बहुत बढ़िया लग रहा है, आज पहली बार हमारे को मिला, हमारे को कि बहुत अच्छा लग रहा है।